हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन में बनने वाली सूर्या की करण फिल्म बंद हो गई है। खबरों की माने तो फिल्म के बजट और पिछली फिल्मों के बॉक्स ऑफिस को देखकर अब करण फिल्म के मेकर्स पीछे हट रहे हैं। पिछले दिनों इस फिल्म से जुड़ी काफी सारी अपडेट आई थी, जहां हमने आपसे हर एक अपडेट को शेयर किया था। सूर्या मुंबई आए थे, जहां उन्होंने डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा से मुलाकात की थी और इस फिल्म में सूर्या के साथ जाह्नवी कपूर को साइन किया गया था। जाह्नवी कपूर इस फिल्म में द्रौपदी के रोल में नजर आने वाली थी। उसके अलावा अली फजल, विजय वर्मा और अविनाश तिवारी को भी साइन किया गया था, लेकिन खबरों की माने तो अब ये मेगा बजट फिल्म बंद हो गई है। हालांकि अभी इस बारे में फिल्म के मेकर्स ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया है कि सूर्या की करण फिल्म बंद हो गई है। सोचो, करण का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था और लुक टेस्ट में 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे, लेकिन अब ये फिल्म बंद हो गई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सूर्या की करण फिल्म के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि सिंघम अगेन से अर्जुन कपूर का एक नया लुक सामने आया है। भाई, यहाँ पर आप अर्जुन कपूर को खून से लथपथ काफी खतरनाक लुक में देख सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अर्जुन कपूर सिंघम अगेन में मैन विलन के रोल में नजर आएंगे। वैसे अर्जुन कपूर से लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन अब रोहित शेट्टी ने उन्हें ये रोल दिया है तो भाई कुछ तो सोच समझ कर ही दिया होगा। कहा जा रहा है कि अर्जुन कपूर इस फिल्म में काफी खतरनाक रोल में नजर आएंगे, तो अर्जुन कपूर का रोल कैसा होगा वो हमें टीजर ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद है कि अच्छी हो, क्योंकि सिंघम की फिल्म है तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अर्जुन कपूर का रोल भी काफी दमदार होगा। टीजर ट्रेलर को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है और कहा गया है कि ये फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। और बॉलीवुड एक्टर रोहित सराफ को थग लाइफ फिल्म में साइन किया गया है। रोहित के रोल को लेकर अभी कोई खास अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि रोहित सराफ इस फिल्म में बहुत ही खास करेक्टर में नजर आएंगे। थग लाइफ की शूटिंग काफी जोरों में चल रही है, जिसे मणि रत्नम डायरेक्ट कर रहे हैं। रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फिल्म 2025 में ही देखने को मिलेगी। एक और बड़ी खबर ये है कि वरुण धवन के आने वाली फिल्म बेबी जॉन की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। बेबी जॉन पहले मई में आने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो बेबी जॉन के मेकर्स ने कहा है कि अब ये फिल्म 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। क्रिसमस पर आमिर खान की सितारे जमीन पर भी आने वाली है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो वेलकम टू द जंगल की तरह सितारे जमीन पर भी क्रिसमस के मौके पर नहीं रिलीज होगी। क्यों नहीं रिलीज होगी तो अब इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई है, पर कहा जा रहा है तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर सितारे जमीन पर पोस्टपोन्ड होती है तो फिर बेबी जॉन इस साल क्रिसमस पर सोलो रिलीज होगी। हाँ, हॉलीवुड फिल्म मुफासा द लायन किंग आ रही है और इस फिल्म की भी काफी ज्यादा हाइप है। बाकी देखते हैं साउथ की कौन सी पैन इंडिया फिल्म इस साल क्रिसमस पर रिलीज होती है। जो भी है, हम आपको आगे फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे। और बैड न्यूज का ट्रेलर कल 28 जून को रिलीज होगा। बैड न्यूज एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे आनंद तिवारी ने डायरेक्ट किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि करण जौहर की गुड न्यूज काफी अच्छी गई थी, तो अब देखना होगा कि ये बैड न्यूज फिल्म कैसी होती है। बैड न्यूज फिल्म में विकी कौशल, तृप्ति दिमरी, एमी विर्क और नेहा धूपिया अहम भूमिका में नजर आएंगे और ये फिल्म 19 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म साइलेंट नाइट को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। साइलेंट नाइट 2023 में रिलीज हुई थी, जिसे अभी IMDb पर 5.3 की रेटिंग मिली है। तो अगर आप एक एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में देख सकते हैं। और कोरियन एक्शन थ्रिलर फिल्म रिमेंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। रिमेंबर 2022 में रिलीज हुई थी, जिसे अभी IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है। तो अभी आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में देख सकते हैं। खबरों की माने तो हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर डेविड फिंचर स्क्विड गेम को रिमेक करने वाले हैं और उन्होंने इस रिमेक की कहानी पर काम स्टार्ट कर दिया है। कहा जा रहा है कि डेविड फिंचर ने स्क्विड गेम के रिमेक की कहानी को लिखने के लिए यूटोपियाई राइटर डेनिस केली को काम पर रखा है। डेविड फिंचर स्क्विड गेम के रिमेक में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने चाइना टाउन के प्रीक्वल सीरीज को बंद कर दिया है, जिसे 2019 में अनाउंस किया गया था। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, पर खबरों की माने तो आने वाले समय हमें स्क्विड गेम का अमेरिकन वर्जन भी देखने को मिलेगा। पर उससे पहले देखना होगा कि स्क्विड गेम का दूसरा सीजन कैसा होता है। स्क्विड गेम सीजन 2 दिसंबर के महीने में रिलीज होगी। तो कितना एक्साइटेड हैं आप स्क्विड गेम सीजन 2 को देखने के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।